किर फोन करो, अभी फोन करो मेरे सामने, पकड़ो। रूना तो वाकई सच कह रही हो? वो आदमी वाकई हमारी मदद करने को तैयार हो गया है, और शुजात अंकल बहुत पुरउम्मीद लग रहे थे कि वो आपको जल्दी ही यहां से बाहर निकाल सकते हैं। मैं नहीं जानता मुझे दौलत किसके नसीब से मिली है, मगर जिंदगी तुम्हारे नसीब से मिली है। और ये भी हो सकता है कि आपने अल्लाह से रुजू किया और उसने आप पर रहम खा लिया। मुझ गुनेगार पे क्या रहम खाएगा? हाँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी पे ही रहम आया हूं, वरना तो यहां से निकलने की उम्मीद भी छोड़ चुका था। आपको ये बात पता है ना कि इंसान पर ज्यादातर आजमाइशें सिर्फ इसलिए आती हैं कि वो उनसे हिदायत ले, अपने आप को बदल ले, कुछ सीख ले। ठीक कहते हो, जेल की तन्हाई में सलाखें मुझे आईना दिखाई देती हैं। जब जब खुद को साइने में देखता हूं तो डर जाता हूं। कितनी नफरत के काबिल होना ना, तुम्हारा दिल भी चाहता होगा कि मेरे हर अमल, मेरे हर लफ्ज के बदले में एक चांटा मारो मुझे। ऐसे पुरानी बातों को भूल जाएं आप। तुम भूल गई हो? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। नहीं, भूली तो नहीं हूं। अपनी तजलील को भूल जाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। बाहर आने के बाद एक माफीनामा तुमसे भी साइन करवाना पड़ेगा। बीवियों के माफीनामे अक्सर बेबुकत होते हैं।